वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल। सो माई नेम इज़ दिशा परिहार, माई चैनल नेम इज़ दिशा सिंह। सो इन दिस वीडियो, जैसे कि आप लोगों ने टाइटल देख के समझ ही लिया होगा कि जो आज की वीडियो है वो किस टॉपिक पे होने वाली है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्क्रब कैसे करते हैं, हाउ टू डू स्क्रब एंड व्हाट आर द बेसिक स्टेप्स ऑफ स्क्रबिंग। लाइक कई बार क्या होता है ना गाइस कि हम स्क्रब करते तो हैं बट उसका आउटपुट है वो इतना अच्छा निकल के नहीं आता है, मतलब हमें उतना अच्छा ग्लो नहीं मिल पाता है फेस पे। हमें लगता है कि यार हम इतना अच्छा स्क्रब कर रहे हैं, इतने अच्छे ब्रांड का यूज़ कर रहे हैं, हमने सारे मेथड्स फॉलो किए बट फिर भी जो आउटपुट है वो इतना अच्छा नहीं आया, हमारे फेस पे से इम्प्योरिटीज़ बाहर नहीं निकली है। वो इसीलिए होता है गाइस क्योंकि हम स्क्रबिंग के सही मेथड्स को फॉलो नहीं करते हैं, सही स्टेप्स फॉलो नहीं करते हैं, इसलिए उसका आउटपुट जो है वो इतना अच्छा निकल के नहीं आता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइज़ मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो देखते तो हो गाइज़ बट आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो यार। गाइज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो मेरे चैनल को, क्योंकि अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मैं ग्रो कैसे कर पाऊँगी, मतलब आप लोगों के बिना कुछ भी संभव नहीं है गाइज़। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन यू गाइज़। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड वीडियो अच्छा लगा करे तो लाइक भी कर दिया करो एंड कमेंट भी कर दिया करो गाइज़ थोड़ा बहुत। एंड सबसे पहली चीज़ क्या है ना गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, अगर आपको कोई चीज़ पसंद आती है तो आप कमेंट कर दो, हमें पढ़ के भी अच्छा लगेगा, मेरे को थोड़ा अच्छा लगेगा कि चलो मैंने मेरी वजह से किसी की कुछ हेल्प तो हुई है। एंड अगर आपको कुछ सही भी नहीं लग रहा है ना गाइस वीडियो में तो आप वो भी कमेंट करो प्लीज। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स बज इन टू द वीडियो। सो फाइनली गाइस जो स्क्रब है ना गाइस, मतलब हम स्क्रबिंग जो करते हैं तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमें ये जान लेना ज़रूरी है कि हमारे स्किन का टाइप कौन सा है। लाइक हमारी स्किन कॉम्बिनेशन स्किन है, ड्राई स्किन है, सेंसिटिव स्किन है, ऑयली स्किन है, लाइक व्हाट इज़ द टाइप ऑफ आवर स्किन, और उसी के अकॉर्डिंग हमें सही स्क्रब का चुनाव करना चाहिए अपने स्किन के लिए। क्योंकि अगर हम सही स्क्रब नहीं करेंगे ना गाइस तो हमें उसके कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स भी देखने को मिल सकते हैं। अगर आपकी ऑयली कॉम्बिनेशन स्किन है, सेंसिटिव स्किन है, तो आपको बहुत ही नेचुरल से और बहुत ही लाइट वेट प्रोडक्ट्स यूज़ करने चाहिए और जिसमें कि केमिकल्स कम हो। तो आप ऐसे स्क्रब को सिलेक्ट कीजिए अपने लिए। लाइक जब भी आप खरीद रहे हैं ना, जब भी आप परचेज कर रहे हैं स्क्रब या ऑनलाइन खरीद रहे हैं या बाहर से जाके खरीद रहे हैं, तो आप उस पर ये चेक कर लीजिए अगर आप कि जो उसमें बहुत ज़्यादा हार्श केमिकल्स तो नहीं यूज़ किए गए और उसमें जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही छोटे, मतलब बहुत ही मिनी पार्टिकल्स होने चाहिए बहुत ज़्यादा। मैं आपको आप देख ही सकते हैं कि जो मैं स्क्रब कर रही हूँ, स्क्रब को ना गाइस कभी भी आपको पाम का यूज़ नहीं करना है स्क्रब करते हुए। स्क्रब में हमेशा आपको फिंगर्स का यूज़ करना है, टू फिंगर्स एंड यू कैन यूज़ थ्री फिंगर्स ऑल्सो। तो आपको फिंगर्स की ही हेल्प से आपको स्क्रब करना है। एंड सेकेंड थिंग ये है गाइस कि जब भी आप स्क्रब कर रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा रगड़ते हुए अपने फेस पे स्क्रब नहीं करना है, आपको अपने हाथों को बहुत ही लाइट वेट रखना है अपनी फिंगर्स को एंड बहुत ही लाइटली आपको अपने फेस पे मसाज करते हो आपको स्क्रब करना है। स्टेप्स आप देख ही रहे हैं मैं क्या कर रही हूँ, मैं बिल्कुल भी पाम का यूज़ नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ फिंगर्स का यूज़ कर रही हूँ। तो फिंगर्स को यूज़ करते हुए ही आपको स्क्रब करना है। स्क्रब करते समय आपको अपने हाथों को अपने फिंगर्स को बहुत ही लाइटली रखना है, बहुत ज़्यादा रगड़ते हुए नहीं रखना है, नहीं तो आपकी स्किन जो है वो हार्श हो जाएगी, आपकी स्किन पर रैशेज पड़ जाएंगे, एकदम मतलब छिली हुई सी आपकी स्किन हो जाएगी। तो आपको बहुत ही लाइटली करना है क्योंकि जो प्रोसेस है ना गाइज, मतलब जो भी पार्टिकल्स वो जो स्क्रब में जो पार्टिकल्स हैं तो वो ही आपकी स्किन पर वर्क करेंगे। आपको ज़रूरी नहीं कि आप अपनी स्किन पर बहुत ज़्यादा रगड़ो, इससे क्या होगा ना कि आपकी स्किन मतलब एकदम छिल जाएगी, वो अच्छी नहीं रहेगी। तो आपको बहुत ज़्यादा रगड़ना नहीं है, आपको नेचुरली हल्के हाथों से मसाज करते हुए आपको स्क्रब करना है गाइज। कि जब भी आप स्क्रब कर रहे हैं तो अपने फेस पर डायरेक्टली फेस पर स्क्रब अप्लाई नहीं करेंगे, पहले अपने क्लीन फेस पे, मतलब जो भी आप सोप यूज़ करते हैं जनरली या फेस वॉश, उससे पहले अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लीजिए। एंड देन इसके बाद अंदर आपको क्या करना है कि आप अपने फेस पे कोई भी मॉइस्चराइज़र लगा लीजिए हल्का सा एंड देन आपको स्क्रबिंग करनी है। डायरेक्टली आपको स्क्रब नहीं करना है क्योंकि स्क्रब में जो है वो थोड़े से पार्टिकल्स मिले हुए होते हैं जिसकी वजह से वो आपकी स्किन पर हार्श करेगा। ओके, अब आपको क्या करना है कि जब भी आपको स्क्रब कर रहे हैं, ये ऑप्शनली बता रही हूँ मैं आपको, ये कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको ऐसा करना है, मैं सिर्फ अपनी टिप बता रही हूँ। एक मतलब मैंने ऐसा फील किया है क्योंकि जब मैं ऐसे यूज़ करती हूँ तो मतलब अच्छा लगता है, स्किन और भी ज़्यादा सॉफ्ट एंड सपल हो जाती है। तो आपको क्या करना है कि जब भी आप स्क्रबिंग कर रहे हैं ना गाइस, तो उस स्क्रब में थोड़ा सा विटामिन ई कैप्सूल भी मिला लीजिए। जैसे कि जो ग्रीन कलर के या जो विटामिन ई कैप्सूल्स मिलते हैं ना मार्केट में, आप एक या दो नहीं एक काफ़ी रहेगा, तो आप एक विटामिन ई कैप्सूल उसमें मिला लीजिए एंड देन उसको मिक्स करके अपने फेस पर स्क्रब कीजिए। उसका आउटपुट बहुत अच्छा निकल के आता है गाइस, आपकी स्किन जो है ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट एंड सपल फील करेगी। एंड मैंने यहाँ पे जो स्क्रब यूज़ किया है वो
मैंने उसमें डायरेक्ट मैंने उसमें कुछ भी नहीं मिलाया है, वो मैंने डायरेक्टली यूज़ किया है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो लोटस ब्रांड का जो स्क्रब है वो मेरी स्किन पे बहुत ही अच्छे से सूट करता है, तो मुझे लगता है वो अपने आप में ही बहुत सफिशियंट है, मुझे उसमें कुछ मिलाने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप कोई और अगर मैं किसी और ब्रांड का यूज़ कर रही होती तो मैं इससे पहले मैं जैसे कि मैं कभी कभी एवरयूथ का भी यूज़ करती हूँ तो मैं उसमें विटामिन ई कैप्सूल मिला लेती हूँ। एंड ये ऑप्शनल है गाइस, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। अगर आप डायरेक्टली अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कर लीजिए, बट अपने फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज कर लेना पहले, आप डायरेक्टली यूज़ मत करना स्क्रबिंग। और इसकी जो प्रोसेस होती है ना गाइस, तो उसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, स्क्रबिंग में 5 to 10 minutes में हो जाता है। कोशिश करिए कि आप अपनी स्किन पर कम से कम 5 से 10 minutes तो दें ही, ट्वाइस अ वीक करिए। एंड उसके फ़ायदे क्या हैं तो गाइस, क्या होता है कि जो हम जैसे कि बाहर निकलते हैं, बाहर नहीं भी निकलते हैं, जैसे कि जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं हमारे एनवायरनमेंट में, कई बार हमें दिखते नहीं, इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो हमारी स्किन पे आके बैठ जाते हैं, चिपक जाते हैं, एंड देन धीरे धीरे वो हमारी स्किन के अंदर भी जाने लगते हैं। कई बार आप देखोगे बहुत से लोगों की स्किन पे वाइट हेड्स एंड ब्लैक हेड्स दिखते हैं, वो सब डस्ट पार्टिकल्स और डर्ट पॉल्यूशन की वजह से ही दिखता है। तो अगर हम स्क्रबिंग करते हैं ना गाइस, तो उससे क्या होता है कि जो भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, जो भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं हमारी स्किन की, वो बाहर निकल जाती हैं स्क्रबिंग की वजह से ईजिली, एंड हमारी स्किन बहुत ही सॉफ्ट एंड सपल फील करती है। तो स्क्रबिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ क्लीनअप। सो गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना गाइज, वीडियो को लाइक कर देना प्लीज़, एंड कमेंट कर दिया करो गाइज, अगर कुछ भी अच्छा लगता है, कुछ बुरा लगता है तो वो भी कमेंट कर दिया करो, एंड प्लीज़ सपोर्ट करो गाइज, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।